लंत्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों बोलते तो डर लगता है। पहले भी लोग बोलेंगे यार ये भी उधर से आया क्या, पता नहीं। लेकिन आज खास करके शुभ अमरेश साहब को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, मौका दिया। आप समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो कि जो रोजाना अपने बिजनेस में अनुभव करते हो और जो थोड़ा सा मार्केट के पास भी ध्यान देते हो, क्या हो रहा है, शेयर्स डाउन हो रहे, शेयर्स अप हो रहे, उसका एक इम्पैक्ट आपके सोसाइटी पे गिरता है। मेमन सोसाइटी, मेमन लोग, उलेमा लोग, ये सभी आई मीन दे आर द पायनियर्स ऑफ द बिजनेस वॉरियर, दे आर द बिग बिजनेस मैन वॉरियर, एंड इट ऑलवेज गिव्स एन इम्पैक्ट वेदर इट इज अ गुड और बैड ऑन देयर लाइफ ऑल्सो। तो मैंने यही सोचा कि भाई जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो चुनाव के समय में आ रहा हूँ। इकबाल मेमन साहब मुझे बार बार ठोक रहे थे, देखना अभी कुछ घोषित कर देना कि जाने के बाद बोलेगा नहीं, आएगा नहीं। भैया मैं वंदनीय बाला साहब का सैनिक हूँ, एक बार जबान दी तो मरते दम तक जबान संभालता हूँ। ऐसे कभी नहीं होगा जो अगर बोल दिया और काम नहीं करेगा, देख नहीं रहा, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यू जा रहे जैसे कि जानते नहीं। हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है, हम जानते हैं ना मतलब के लिए आए हैं। मतलब अगर है तो देश के संविधान का मतलब है, मतलब अगर है तो देश के गणतंत्र का मतलब है, मतलब अगर है तो मेरी महिलाओं की सुरक्षा का है, मतलब अगर है तो महंगाई के खिलाफ लड़ने का मतलब है, मतलब अगर है तो बेरोजगार को रोजगार देने का मतलब है, मतलब अगर है तो किसानों को न्याय देने का मतलब है, किसान मेरा आत्महत्या कर रहा है, ये सारे मतलबों को लेकर खड़ा। और आपको गर्व होगा अगर यूट्यूब पर जाकर देखोगे कि अरविंद सावंत जी ने जो बातें कर रहे हैं वो सही में उधर क्या कर रहा था, तो उस पर आपको पता चलेगा कि आपके मन में जो समस्याएं, और देख लें कि अरविंद जी ने वहां आवाज उठाई कि नहीं, तो आपको गर्व लगेगा। मेरा दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई का सांसद हमारी हर समस्या की गुंज वहां पार्लियामेंट में करता रहा, इसका आपको गर्व लगेगा, नाज लगेगा। आज अगर देखो तो ये माहौल है देश का, इतनी सारी समस्याएं हैं जो मैंने अभी अभी आपके सामने बोली, उसके बावजूद उस समस्या का निराकरण करते समय देश की हर टाउन, हर प्रांत देश की केंद्र की सरकार की तरफ देखता है। अगर कोई हमला कर रहे, चाइना घुस गई तो भी हम क्या सोचते, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, चाइना ने हमारे राज्य के घुसपैठ लेकर हमारे गांव के नाम बदल दिए, हम क्या सोचते केंद्र की सरकार क्या कर रही है, महंगाई कम नहीं हो रही, हम क्या सोचते केंद्र की सरकार क्या कर रही है, बेरोजगार को रोजगार भी है। रियली आई मीन डायलेमा ऑफ द पॉलिटिक्स ऑल्सो, सी द डेज वर देयर व्हेन द चिल्ड्रन इज टू बिकम ग्रेजुएट्स ऑफ द आईआईटी यूनिवर्सिटीज, आईआईटी मैन इज टू गेट जॉब इमीडिएटली, भाई वहां वो ग्रेजुएट हो फाइनल एग्जाम को बैठा है तब तक कंपनियां उसको ढूंढ लेती थी, इस बच्चे को लेना है अपने साथ, करोड़ों रुपए की सैलरी देती थी। आज बच्चे बेकार पड़े हुए हैं, आईआईटी के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आईआईटी के चिल्ड्रन हुआ पास फॉर आईआईटी आर वेटिंग फॉर द जॉब्स, देयर नो प्लेसमेंट फॉर देम। अब रही बात हमारे बेरोजगार की समस्या के, हम बिजनेस मैन में क्या जीएसटी की तकलीफ नहीं है आपको, है कि नहीं, आपको है ना, इनकम टैक्स की तकलीफ है कि नहीं, परेशानी है, तकलीफ क्या परेशानी है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव।